अमृता सिंह। दोस्तों, अमृता सिंह के बेटे का नाम इमरान अली खान है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। नेक्स्ट है शर्मिला टैगोर। दोस्तों, शर्मिला टैगोर के बेटे का नाम सैफ अली खान है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। नेक्स्ट है जूही चावला। दोस्तों, जूही चावला की बेटी का नाम जानवी मेहता है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। नेक्स्ट है माधुरी दीक्षित। दोस्तों, माधुरी दीक्षित की बेटे का नाम आर्यन नेहा है। नेक्स्ट है गौरी खान। दोस्तों, गौरी खान के बेटे का नाम आर्यन खान है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। नेक्स्ट है करीना कपूर। दोस्तों, करीना कपूर के दो बेटे हैं, तैमूर और जहांगीर। नेक्स्ट है मलिका अरोड़ा। दोस्तों, मलिका अरोड़ा की बेटे का नाम अहरन खान है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। नेक्स्ट है नेतू सिंह। दोस्तों, नेतू सिंह के बेटे का नाम रणबीर कपूर है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है काजल देवांगन। दोस्तों, काजल देवांगन के बेटे कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसका नाम है यंग देवांगन। नेक्स्ट है जया बच्चन। दोस्तों, जया बच्चन के बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गुलशन कुमार। दोस्तों, गुलशन कुमार के बेटे का नाम भूषण कुमार है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है दिलीप ताहिल। दोस्तों, दिलीप ताहिल के बेटे कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसका नाम है गौरव ताहिल। नेक्स्ट है बॉनी कपूर। दोस्तों, बॉनी कपूर के बेटे कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसका नाम है अर्जुन कपूर। नेक्स्ट है सुनील सेट्टी। दोस्तों, सुनील सेट्टी के बेटे का नाम है आहान सेट्टी, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है नाना पाटेकर। दोस्तों, नाना पाटेकर का बेटा का नाम है मल्हार पाटेकर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है गुलशन ग्रोवर। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर के बेटे का नाम संजय ग्रोवर है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा के दो बेटे हैं, पहला है लव एंड कुश। नेक्स्ट है किरण खेर। दोस्तों, किरण खेर के बेटे का नाम है सिकंदर खेर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कादर खान। दोस्तों, कादर खान के बेटे का नाम सरफराज खान है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें संजय दत्त की, तो दोस्तों, संजय दत्त का बेटा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसका नाम है अहरन दत्त। नेक्स्ट है जॉनी लीवर। दोस्तों, जॉनी लीवर के बेटे का नाम है जेसी लीवर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आमिर खान। दोस्तों, आमिर खान के दो बेटे हैं, जो कुछ इस प्रकार नजर आते हैं, जिसका नाम है जोनित खान। नेक्स्ट है बॉबी देओल। दोस्तों, बॉबी देओल का बेटा का नाम आर्यमान देओल है, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। नेक्स्ट है राकेश रोशन। दोस्तों, राकेश रोशन के एक बेटे हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसका नाम है ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है मोहिनीस बहेल। दोस्तों, मोहिनीस बहेल की बेटी का बात करें, तो उनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिनका नाम है प्रणुतन बहेल। नेक्स्ट है सुरेश ओबेरॉय। दोस्तों, सुरेश ओबेरॉय की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है मेघना ओबेरॉय। नेक्स्ट है अन्नू कपूर। दोस्तों, अन्नू कपूर के बेटे का नाम है आराधिता कपूर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है सुनील दत्त। दोस्तों, सुनील दत्त की दो बेटी है, जिनका नाम, एक का नाम प्रिया एंड एक का नाम है नम्रता दत्त। नेक्स्ट है कमल हसन। दोस्तों, कमल हसन की बेटी का नाम है श्रुति हसन, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है अक्षय कुमार। दोस्तों, अक्षय कुमार की बेटी का नाम नितारा है। नेक्स्ट है विनोद खन्ना। दोस्तों, विनोद खन्ना की बेटी का नाम श्रद्धा खन्ना है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है रणधीर कपूर। दोस्तों, रणधीर कपूर की दो बेटी है, जिसमें एक का नाम है करीना एंड एक का नाम है करिश्मा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अमरीश पुरी। दोस्तों, अमरीश पुरी की बेटी का नाम है नम्रता पुरी, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है श्रीदेवी कपूर, जिसकी बेटी का नाम है जानवी कपूर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है जावेद जैफरी, जिसकी बेटी का नाम है एलविला जैफरी,
जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है जॉनी लीवर। दोस्तों जॉनी लीवर की बेटी का नाम है जेमी लीवर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है चैंकी पांडे। दोस्तों चैंकी पांडे की बेटी का नाम है अनन्या पांडे, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है डैनी डेंगोजप्पा, जिसकी बेटी का नाम है पेमा डेंगोजप्पा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है महेश भट्ट। दोस्तों महेश भट्ट की दो बेटी हैं, जिसमें एक का नाम है पूजा एंड एक का नाम है आलिया भट्ट, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है सरस सक्सेना। दोस्तों सरस सक्सेना की बेटी का नाम है वीरा सक्सेना, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है नेक्स्ट है शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है जितेंद्र कपूर। दोस्तों जितेंद्र कपूर की बेटी का नाम है एकता कपूर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है राजेश खन्ना। दोस्तों राजेश खन्ना की दो बेटी हैं, जिनका एक का नाम है ट्विंकल एंड एक का नाम है रिंकी खन्ना, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है ऐश्वर्या राय। दोस्तों ऐश्वर्या राय की एक बेटी है, जिसका नाम है आराध्या बच्चन, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है राज बब्बर। दोस्तों राज बब्बर की बेटी का नाम है जूही बब्बर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें अमजद खान की, तो दोस्तों अमजद खान की बेटी का नाम है अहलमन खान, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है नीतू सिंह। दोस्तों नीतू सिंह की बेटी का नाम है रिधिमा कपूर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी। दोस्तों मनोज बाजपेयी की बेटी का नाम है अवर नायला, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह की बेटी का नाम है हिबा शाह, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है रजनीकांत। दोस्तों रजनीकांत की बेटी का नाम है ऐश्वर्या रजनीकांत, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है शक्ति कपूर। दोस्तों शक्ति कपूर की बेटी का नाम है शारदा कपूर, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें सैफ अली खान की, तो दोस्तों सैफ अली खान की बेटी का नाम है सारा अली खान, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है काजोल देवांगन। काजोल देवांगन की बेटी का नाम है आयशा देवांगन, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है गोविंदा आहूजा, जिसकी बेटी का नाम है टीना आहूजा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। नेक्स्ट है शाहरुख खान। शाहरुख खान की बेटी का नाम है सुहाना खान, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। अगर हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो दोस्तों सुनील शेट्टी की बेटी का नाम है अथिया शेट्टी। दोस्तों अगर हम बात करें हेमा मालिनी की, तो दोस्तों हेमा मालिनी की बेटी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसका नाम है ईशा डेओल। नेक्स्ट है आमिर खान। दोस्तों आमिर खान की बेटी का नाम है ईरा खान, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, जब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है पुनीत राजकुमार। दोस्तों पुनीत राजकुमार की निधन हो चुकी है। निधन के समय इनकी उम्र थी 46 साल। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार। दोस्तों कृष्ण कुमार की उम्र थी 53 साल, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर हम बात करें इरफान खान की, तो दोस्तों इरफान खान कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे, जिनकी मृत्यु 53 साल में हो चुकी है। नेक्स्ट है वाजिद खान। दोस्तों वाजिद खान कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे, 42 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों सुशांत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 34 साल, और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत बेंद्रे। दोस्तों लक्ष्मीकांत बेंद्रे की अगर हम बात करें, तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है,
मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 50 साल। नेक्स्ट है श्रीदेवी। दोस्तों श्रीदेवी की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 54 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। अगर हम बात करें इंदर कुमार की, तो दोस्तों इंदर कुमार की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 44 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है जिया खान। दोस्तों जिया खान की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 25 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। अगर हम बात करें दिव्या भारती की, तो दिव्या भारती की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 19 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। नेक्स्ट है परवीन बॉबी। दोस्तों परवीन बॉबी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 50 साल। 2005 में इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है विनोद मेहरा। दोस्तों विनोद मेहरा कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 45 साल। नेक्स्ट है सिल्क स्मिता। दोस्तों सिल्क स्मिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 35 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव की, तो दोस्तों राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है मधुबाला। दोस्तों मधुबाला की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 36 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। अगर हम बात करें सिद्धार्थ रॉय की, तो दोस्तों सिद्धार्थ रॉय की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 40 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है राजीव कपूर। दोस्तों राजीव कपूर कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 साल। अगर हम बात करें संजीव कपूर की, तो दोस्तों संजीव कपूर कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 47 साल। नेक्स्ट है रामी रेड्डी। दोस्तों रामी रेड्डी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 52 साल। 2011 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है किशोर कुमार। दोस्तों किशोर कुमार की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 साल। नेक्स्ट है निर्मल पांडे। दोस्तों निर्मल पांडे कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 47 साल। अगर हम बात करें स्मिता पाटिल की, तो दोस्तों स्मिता पाटिल कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 31 साल। नेक्स्ट है आरती अग्रवाल। दोस्तों आरती अग्रवाल की मृत्यु 2015 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 31 साल। नेक्स्ट है अमजद खान। दोस्तों अमजद खान कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 51 साल। नेक्स्ट टाइम बप्पी लहरी। दोस्तों बप्पी लहरी की मृत्यु 2022 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 69 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। नेक्स्ट है तनिषा शर्मा। दोस्तों तनिषा शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 20 साल। नेक्स्ट है लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 92 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाले की, तो दोस्तों सिद्धू की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 28 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है विक्रम गोखले। दोस्तों विक्रम गोखले की मृत्यु 2022 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 75 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है दारा सिंह। दोस्तों दारा सिंह महाभारत में आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 83 साल। नेक्स्ट है प्राण। दोस्तों प्राण की मृत्यु 2013 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 93 साल और कुछ इस प्रकार नजर आते थे। नेक्स्ट है दिलीप कुमार।
दोस्तों दिलीप कुमार कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 98 साल। नेक्स्ट है विनोद खन्ना। दोस्तों विनोद खन्ना की मृत्यु 2017 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 70 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है कादर खान। दोस्तों कादर खान कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 81 साल। अगर हम बात करें ऋषि कपूर की तो दोस्तों ऋषि कपूर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 67 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। नेक्स्ट है सतीश कौशिक। दोस्तों सतीश कौशिक की मृत्यु 2023 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 66 साल। नेक्स्ट है ओम पुरी। दोस्तों ओम पुरी कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 66 साल। नेक्स्ट है रीमा लागू। दोस्तों रीमा लागू की मृत्यु 2017 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। नेक्स्ट है शशि कपूर। दोस्तों शशि कपूर की मृत्यु 2017 में हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 79 साल। नेक्स्ट है जगदीप। दोस्तों जगदीप की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 81 साल और कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। अगर हम बात करें मीना कुमारी की तो दोस्तों मीना कुमारी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 38 साल। हाउ डिड यू लाइक अवर वीडियो? इफ यू लाइक अवर वीडियो यू विल लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। सुनील सेठी। दोस्तों सुनील सेठी की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है अथियर सेठी, जो बॉलीवुड में दिखाई देती है। नेक्स्ट है गोविंदा। अगर हम गोविंदा की बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है टीना आहूजा। नेक्स्ट अजय देवांगन। अगर हम अजय देवांगन की बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है न्याशा देवांगन। अगर हम अनिल कपूर की बेटी की बात करें तो दोस्तों अनिल कपूर की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है सोनम कपूर। नेक्स्ट है रिया कपूर। अगर हम ऋषि कपूर की बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है रिद्धिमा कपूर। अगर हम संजय दत्त की बेटी की बात करें तो दोस्तों संजय दत्त की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है त्रिशाला दत्त और दूसरी बेटी का नाम है इकरा दत्त। नेक्स्ट टाइम जैकी श्रॉफ। दोस्तों अगर हम जैकी श्रॉफ की बेटी की बात करें तो उसकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है कृष्णा श्रॉफ। नेक्स्ट टाइम जॉकी लीवर। दोस्तों अगर हम जॉकी लीवर की बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है जेमी लीवर। नेक्स्ट है दीपक तिजोरी। दोस्तों अगर हम दीपक तिजोरी बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है समारा तिजोरी। अगर हम महेश भट्ट की बेटी की बात करें तो दोस्तों महेश भट्ट की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है पूजा भट्ट। नेक्स्ट है आलिया भट्ट और है शाहीन भट्ट। नेक्स्ट टाइम शक्ति कपूर। दोस्तों अगर हम शक्ति कपूर की बेटी की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है श्रद्धा कपूर। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो इनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है दिशानी चक्रवर्ती। अगर हम जितेंद्र की बात करें तो दोस्तों जितेंद्र की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है एकता कपूर। अगर हम अमिताभ बच्चन की बेटी की बात करें तो दोस्तों वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है श्वेता बच्चन। दोस्तों अगर हम राजेश खन्ना की बेटी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है शाहरुख खान। दोस्तों शाहरुख खान की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है सुहाना खान। नेक्स्ट टाइम
आमिर खान। दोस्तों आमिर खान की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है ईरा खान। नेक्स्ट टाइम सैफ अली खान। दोस्तों सैफ अली खान की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है सारा अली खान। अगर हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट टाइम शशि कपूर। दोस्तों शशि कपूर की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है संजना कपूर। अगर हम धर्मेंद्र देओल की बात करें, तो दोस्तों धर्मेंद्र देओल की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है ईशा देओल। नेक्स्ट है आहाना देओल। अगर हम डैनी डेजगोप्पा की बात करें, तो इनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है पेमा डेंजोगप्पा। नेक्स्ट टाइम बोनी कपूर। दोस्तों अगर हम बोनी कपूर की बेटी की बात करें, तो उनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है जानवी कपूर और खुशी कपूर और है अंशु कपूर। अगर हम बात करें किरण कुमार की, तो किरण कुमार की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है सृष्टि कुमार। अगर हम बात करें रजा मुराद की, रजा मुराद की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है आयशा मुराद। नेक्स्ट टाइम चंडी पांडे। दोस्तों चंडी पांडे की बेटी की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार नज़र आती है, जिसका नाम है अनन्या पांडे और दूसरी है राइसा पांडे। नेक्स्ट टाइम अतुल अग्निहोत्री। दोस्तों अत्रु की बेटी की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है अलीजेह। नेक्स्ट टाइम रंजीत कुमार। दोस्तों अगर हम रंजीत कुमार की बेटी की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है दिवंका बिंदी। अगर हम सरस सक्सेना की बात करें, तो दोस्तों इनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिनका नाम है वीरा सक्सेना। नेक्स्ट टाइम पुनीत इस्सर। दोस्तों अगर हम पुनीत इस्सर की बेटी की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है निर्विति इस्सर। नेक्स्ट टाइम नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है हिबा शाह। नेक्स्ट है सम्मी कपूर। दोस्तों सम्मी कपूर की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है कंचन केतन देसाई। अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो दोस्तों इनकी बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिनका नाम है सोरा सिद्दीकी। नेक्स्ट टाइम संजय कपूर। दोस्तों संजय कपूर की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिनका नाम है सहनाया कपूर। नेक्स्ट टाइम विनोद खन्ना। दोस्तों विनोद खन्ना की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिनका नाम है श्रद्धा खन्ना। नेक्स्ट है ओम शिवपुरी। दोस्तों ओम शिवपुरी की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है रितु शिवपुरी। नेक्स्ट है जगदीप। दोस्तों जगदीप की बेटी कुछ इस प्रकार नजर आती है, जिसका नाम है मुस्कान जाफरी। नेक्स्ट है अनुपम खेर। दोस्तों अनुपम खेर की बेटी कुछ इस प्रकार नजर आती है, जिनका नाम है अनामिका। नेक्स्ट है सुनील दत्त। दोस्तों सुनील की बेटी कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है प्रिया दत्त, जो बॉलीवुड में दिखाई देती है। नेक्स्ट है नम्रता दत्त। अगर हम बात करें राजकुमार की बेटी की, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है वास्तविकता। नेक्स्ट है गुलशन कुमार। दोस्तों अगर हम गुलशन कुमार की बेटी की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसका नाम है तुलसी कुमार। नेक्स्ट है खुलासी कुमार। तो कैसी लगी आपको हमारा ये वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आसिफ बसरा। दोस्तों आसिफ बसरा कुछ इस प्रकार से दिखती थी। 53 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण है आत्महत्या। नेक्स्ट है निर्मल पांडे। दोस्तों निर्मल पांडे पहले कुछ इस प्रकार से दिखती थी। 47 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है विवेक शौक। दोस्तों विवेक शौक
पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 48 साल। मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक। नेक्स्ट टाइम जसपाल भट्टी। दोस्तों जसपाल भट्टी पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 57 साल। मृत्यु का कारण था सड़क दुर्घटना, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला हम बात करें राजीव कपूर। दोस्तों राजीव कपूर पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। 58 साल में इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है विक्रमजीत कंवरपाल। दोस्तों विक्रमजीत कंवरपाल पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। इनकी मृत्यु 52 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण था कोरोना, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है राजकुमार। दोस्तों राजकुमार पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र 69 साल थी। मृत्यु का कारण कैंसर था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है फिरोज खान। दोस्तों फिरोज खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 69 साल। मृत्यु का कारण था फेफड़े का कैंसर होना। नेक्स्ट टाइम शशि कपूर। दोस्तों शशि कपूर पहले कुछ इस प्रकार दिखा करते थे। 79 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण है लंबी बीमारी। नेक्स्ट है विनोद खन्ना। दोस्तों विनोद खन्ना पहले कुछ इस प्रकार दिखा करते थे। इनकी मृत्यु 70 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण था कैंसर, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट टाइम राजू श्रीवास्तव। दोस्तों राजू श्रीवास्तव की बात करें तो राजू श्रीवास्तव पहले कुछ इस तरह नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 58 साल। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों अगर हम सतीश कौशिक की बात करें तो सतीश कौशिक पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 66 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक। नेक्स्ट टाइम सुशांत सिंह कपूर। दोस्तों सुशांत सिंह कपूर पहले इस प्रकार नजर आते थे। 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण था आत्महत्या। नेक्स्ट टाइम देव आनंद। दोस्तों अगर हम देव आनंद की बात करें तो देव आनंद पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। देव आनंद की मृत्यु 88 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम ऋषि कपूर की बात करें तो दोस्तों ऋषि कपूर पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 67 साल। इनकी मृत्यु ब्लड कैंसर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट टाइम है इरफान खान। दोस्तों इरफान खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 53 साल। मृत्यु का कारण है कैंसर। अगर हम टॉम अल्टर की बात करें तो दोस्तों टॉम अल्टर पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 67 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण था स्किन कैंसर, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट टाइम है मैक मोहन। दोस्तों मैक मोहन पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 72 साल। इनकी मृत्यु का कारण था कैंसर, जिसकी वजह से इनको अपना जान गंवाना पड़ा। अगर हम सत्येंद्र कप्पू की बात करें तो दोस्तों सत्येंद्र कप्पू पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 76 साल। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है साफी इनामदार। दोस्तों साफी इनामदार पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 50 साल। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट टाइम महावीर शाह। दोस्तों महावीर शाह पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र 40 साल की थी। इनकी मृत्यु का कारण था कार दुर्घटना,
जिसके वजह से इनको अपना जान गंवाना पड़ा। अगर हम बात करें अजीत खान की, तो दोस्तों अजीत खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 76 साल। इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। नेक्स्ट टाइम है कादर खान। दोस्तों कादर खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 81 साल में हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण था सांस की बीमारी। दोस्तों अगर हम बात करें जय गॉड की, तो दोस्तों जय गॉड पहले इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 82 साल में हुई थी। मृत्यु का कारण था दिल का दौरा पड़ना। नेक्स्ट टाइम बॉब किस्टो। दोस्तों बॉब किस्टो पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 73 साल में हुई थी। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, जिसकी वजह से इनको अपना जान गंवाना पड़ा। अगर हम बात करें महेश आनंद की, तो दोस्तों महेश आनंद पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 57 साल। मृत्यु का कारण था फ्लैट में मित्र हो जाना। नेक्स्ट है अनुपम श्याम। दोस्तों अनुपम श्याम पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 63 साल। इनकी मृत्यु का कारण था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गोगा कपूर। दोस्तों गोगा कपूर पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 70 साल। इनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी की वजह से हुई थी। नेक्स्ट टाइम है रामी रेड्डी। दोस्तों रामी रेड्डी पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 52 साल। मृत्यु का कारण था किडनी बीमारी होना, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। अगला है संजीव कुमार। दोस्तों संजीव कुमार की अगर हम बात करें, तो पहले इस प्रकार दिखते थे। इनकी मृत्यु 47 साल में हो चुकी है। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है मीरा कुमारी। दोस्तों मीरा कुमारी पहले कुछ इस प्रकार नजर आती थी। इनकी मृत्यु 39 साल में हो चुकी थी। इनकी मृत्यु का कारण था शराब अधिकतर लत लगना, जिसके वजह से इन्होंने अपना जान गंवाया। नेक्स्ट है मधुबाला। दोस्तों मधुबाला पहले कुछ इस प्रकार नजर आती थी। इनकी मृत्यु 36 साल में हो गई है। इनकी मृत्यु का कारण था जन्मजात की बीमारी होना। अगर हम बात करें गुरुदत्त की, तो दोस्तों गुरुदत्त पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 39 साल में हो चुकी है। मृत्यु का कारण था बेडरूम में मित्र हो जाना, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट है सम्मी कपूर। दोस्तों अगर हम सम्मी कपूर की बात करें, तो पहले वो इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 79 साल में हो चुकी है। इनकी मृत्यु का कारण था लंबी बीमारी, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट है सुनील दत्त। दोस्तों अगर हम सुनील दत्त की बात करें, तो पहले वो इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 75 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत बेंद्रे। दोस्तों अगर हम लक्ष्मीकांत बेंद्रे की बात करें, तो पहले वो कुछ इस प्रकार नजर आती थी। इनकी मृत्यु 50 साल में हो गई है। मृत्यु का कारण था किडनी फेलोर, जिसके वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। नेक्स्ट है जगदीप। दोस्तों जगदीप पहले इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 81 साल में हो चुकी है। मृत्यु का कारण था उम्र संबंधित बीमारी, जिसके वजह से इनकी जान चली गई। नेक्स्ट है रजाक खान। दोस्तों रजाक खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 65 साल में हो चुकी है। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट, जिसके वजह से
इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। अगर हम बात करें साहिद जाफरी की, तो दोस्तों साहिद जाफरी पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 84 साल में हो गई है। मृत्यु का कारण था बीमारी, जिसके वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। नेक्स्ट है देवेंद्र वर्मा। दोस्तों देवेंद्र वर्मा पहले कुछ इस प्रकार दिखते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 78 साल। इनकी मृत्यु का कारण था दिल का दौरा पड़ना, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। नेक्स्ट है श्रीदेवी। दोस्तों श्रीदेवी पहले कुछ इस प्रकार नजर आती थी। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 54 साल। इनकी मृत्यु बाथ टब में हुई थी। अगर हम बात करें फारूक शेख की, तो दोस्तों फारूक शेख पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 65 साल में हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। नेक्स्ट टाइम जिया खान। दोस्तों जिया खान पहले इस प्रकार नजर आती थी। इनकी मृत्यु 25 साल में हो गई थी। मृत्यु का कारण है आत्महत्या करना, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगला है एके हंगल। दोस्तों एके हंगल पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 97 साल। इनकी मृत्यु का कारण था लंबी बीमारी, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। नेक्स्ट है यश चोपड़ा। दोस्तों यश चोपड़ा पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 साल। इनकी मृत्यु का कारण था डेंगू होना। नेक्स्ट टाइम है राजेश खन्ना। दोस्तों अगर हम राजेश खन्ना की बात करें, तो राजेश खन्ना पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 69 साल। इनकी मृत्यु का कारण था कैंसर होना, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। गेविन पैकर्ड। दोस्तों गेविन पैकर्ड पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 47 साल। इनकी मृत्यु श्वसन विकार की वजह से हुई थी। अगर हम बात करें सदाशिव अमरापुर की, तो दोस्तों सदाशिव पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 64 साल। इनकी मृत्यु फेफड़े संक्रमण की वजह से हुई थी। नेक्स्ट टाइम गुलशन कुमार। दोस्तों गुलशन कुमार पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। इनकी मृत्यु 47 साल में गोली मारकर हत्या की गई थी। नेक्स्ट है इंदर कुमार। दोस्तों अगर हम इंदर कुमार की बात करें, तो वो पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 43 साल। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है अमजद खान। दोस्तों अमजद खान पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 51 साल। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक आना, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम बिजू खोटे। दोस्तों बिजू खोटे पहले इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 77 साल। इनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है ओम पुरी। दोस्तों ओम पुरी पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 66 साल। इनकी मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक आना, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। अगर हम बात करें दिलीप कुमार की, तो दोस्तों दिलीप कुमार पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 98 साल। इनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट टाइम है अमरीश पुरी। दोस्तों अमरीश पुरी पहले कुछ इस प्रकार नजर आते थे। मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 72 साल। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज, जिसकी वजह से इन्हें अपना जान गंवाना पड़ा था। तो कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। जब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।